Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My View My Channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. Section A, JEE Mains 2023 January Attempt, First Shift, 25 January 2023 का हमारा पेपर है. इसमें अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, ये पहला क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द क्यूमेन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज. तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन का इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है. तो आपको पता है भाई क्यूमेन क्या है, क्यूमेन से फिनॉल बनाना एक इंडस्ट्रियल मेथड है. ठीक है, इस इंडस्ट्रियल मेथड में हम क्या करते हैं, ये क्यूमेन लेते हैं सबसे पहले. इस क्यूमेन के अंदर हम क्या लेते हैं, CH, CH3 और CH3. इस क्यूमेन का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो एयर का मेजर कंपोनेंट कौन सा होगा इसमें, O2 होगा. जहां पर जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा इस रिएक्शन का, दैट इंटरमीडिएट इज क्यूमेन हाइड्रोपरॉक्साइड CO, OH, CH3 और CH3. तो क्या बनेगा, क्यूमेन हाइड्रोपरॉक्साइड. इस क्यूमेन हाइड्रोपरॉक्साइड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड वाटर. तो ये जो क्यूमेन हाइड्रोपरॉक्साइड बना है ये वाला, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू द फिनॉल. इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में बाय द रिलीज ऑफ एसीटोन. क्लियर है. तो हमने देखा क्यूमेन से फिनॉल बन रहा है और इंटरमीडिएट क्या है, दैट इज क्यूमेन हाइड्रोपरॉक्साइड. तो इन तीनों ऑप्शंस, इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, दैट इज क्यूमेन हाइड्रोपरॉक्साइड. सो दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3. इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, जेई मेंस 2023. 25 जनवरी का हमारा ये पेपर है, 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है. क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच विल हैव द लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद OH- इज. तो यहाँ पे हम क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे सबसे पहले, कि ये जो Cl है ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस R, और नाइट्रो क्या दिखाता है, माइनस आर. ठीक है, माइनस आर के साथ साथ ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. आपको पता है सीएल यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो ये क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा. तो इसका मतलब अगर ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे है तो माइनस आर इफेक्ट डोमिनेंट है, और अगर ये मेटा पोजिशन पे है तो माइनस आर इफेक्ट डोमिनेंट नहीं है, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होगा. तो इसका मतलब अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन पे, सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो नाइट्रो पैरा पोजीशन पे है. ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देखें तो नाइट्रो मेटा पोजीशन पे है, और फोर्थ पोजीशन पे देखें तो ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अवेलेबल है. क्लियर है. तो इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, उसमें मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से वो लेस डोमिनेटिंग है. यहाँ पे कौन सा इफेक्ट, माइनस आर एज कंपेयर टू माइनस आई, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, लोएस्ट रेट टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसी का ही होगा, ऑप्शन नंबर 3 का. इज दैट पॉइंट क्लियर. So now we are moving to the next question of section A, JEE Mains 2023 January attempt,
फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं और कलर इम्पार्टेड टू द फ्लेम, ठीक है। नीचे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। तो हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे इनमें से आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें कि हम आइडेंटिफाई करें कि जो हमारा पोटेशियम है ना, वो कौन सा कलर दिखाता है? वॉयलेट कलर दिखाता है, तो मतलब ए के सामने क्या आएगा? सेकंड। जो हमारा कैल्शियम है, इट विल शो ब्रिक रेड कलर, तो बी के आगे क्या आएगा? फर्स्ट, ठीक है। जो स्ट्रॉन्शियम है, इट विल शो क्रिम्सन रेड कलर, तो सी के आगे क्या आएगा? फोर्थ आएगा। और बचा क्या? बेरियम, बेरियम क्या शो करेगा? इट विल शो एप्पल ग्रीन कलर, तो इसका मतलब बेरियम के लिए क्या आएगा? थर्ड। तो हम क्या देखें, सबसे पहले देखें ए पे सेकंड कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है और तीनों में ही आ रहा है। बी पे फर्स्ट किस में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। सी का फोर्थ किस में आ रहा है? दैट इज सेकंड ऑप्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, 25 जनवरी 2023 का ये पेपर है। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन विल बी द मोस्ट स्टेबल। तो आपको पता है भाई, दो मेजरली हम दो कन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, दैट इज स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। तो ये आपको पता है ये स्टैगर्ड फॉर्म है, दो पहले दो ऑप्शन, और दो बाकी के दो ऑप्शन कौन सी फॉर्म है? इक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि जो हमारा राइट आंसर होगा इन फर्स्ट और टू पहले और दूसरे ऑप्शन में से ही होगा, रीजन क्योंकि आप सभी को पता है स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द इक्लिप्स फॉर्म। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, वो कंडीशन देखनी है कि जहां पर बल्की ग्रुप, ये बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, आपको पता है बाकी तो हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप ही बल्की ग्रुप है। यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बल्की ग्रुप है ना, वो सेम साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकती है, जिसकी वजह से जो कन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी क्या हो सकती है? लेस हो सकती है। वहीं पे अगर हम देखें कि सेकेंड ऑप्शन में दोनों बल्की ग्रुप क्या है, टोटली अपोजिट है, एंटी पोजिशन पे प्रेजेंट है। और आपको पता है अगर बल्की ग्रुप ऐसी पोजीशन पे है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम है, तो वो पर्टिकुलर फॉर्म क्या होगी? मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? वे नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, 25 जनवरी का पेपर हमारे पास आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन विद द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ दे रखा है ए बी सी डी और नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ सही है। तो भाई ये जो है ना, पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता है रेट ऑफ एंजाइमेटिक इक्वेशन में हम मैकेलिस मेंटन रिएक्शंस हम बात करते हैं, जहां पे आपको पता है कि जो रेट एक्सप्रेशन है वो इस तरह के ग्राफ से हम निकालते हैं, दैट इज वी मैक्स कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन के एम प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये जो ग्राफ है ना, यही अप्रोप्रिएट ग्राफ है, तो मतलब ऑप्शन सी। तो देखो ऑप्शन, ये जो हमारे पास सी ग्राफ है, ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? यार ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट। फर्स्ट शिफ्ट 25 जनवरी 2023 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे भी, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज अजर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो एक अजर्शन है और दूसरा क्या है? रीजन। जो अजर्शन ए है वो है एसिटल कीटन इन स्टेबल बेसिक मीडियम, और रीजन आर क्या है? द हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ एसिटल कीटल इन बेसिक मीडियम। तो
तो हमें एजर्शन और रीजन दिए हुए और उसके बेसिस पे ये चार ऑप्शंस दिए हुए और हमें इसका आंसर करना है। तो भाई एजर्शन को अगर हम देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है एसिटल कीटल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। तो अगर हम इस बात को समझे ना कि जो एसिटल और कीटल है दे आर बेसिकली क्या होते हैं, ईथर्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, दे शुड बी स्टेबल इन बेसिक मीडियम। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेबल तो रहते बेसिक बेसिक मीडियम में, बट ये ब्रेक होते हैं किसमें, एसिडिक मीडियम में, क्या होते हैं, दे विल गेट ब्रेक। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एजर्शन है वो राइट है, ठीक है। फिर भी जो हमारे पास रीजन जो दिया है, रीजन में हमें बोला गया था हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन गिव्स द स्टेबिलिटी टू एसिटल एंड कीटल। तो अगर हम बात करें ना तो जो हमारा एल्कोक्साइड आयन है उसको हम एक गुड गुड लिविंग ग्रुप की तरह कभी भी कंसीडर नहीं करते, ठीक है, दे आर नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। हेंस यहाँ पे क्या होगा, रीजन जो है वो क्या है, गलत है। तो अजर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो भाई आप देखो कौन सा ऑप्शन राइट जा रहा है, जहां पे अजर्शन सही है और रीजन गलत है। तो ये हमारा क्या रहा, ऑप्शन नंबर वन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन वन हमारा क्या है आपका राइट। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 25 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर सेवन है, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एटम्स ऑफ एक्स आर प्रेजेंट ऑन एवरी अल्टरनेट कॉर्नर एंड वन एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, वाई इज एट वन थर्ड ऑफ द टोटल फेसेस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्स के एटम कैलकुलेट करेंगे। तो भाई लिखा हुआ है एक्स आर प्रेजेंट ऑन एवरी अल्टरनेट कॉर्नर, तो आपको पता है कि अगर हम एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर क्या होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, और कॉर्नर पे जो ईच एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एक्स एटम इन द यूनिट सेल। तो कितना होगा भाई, देखिए अल्टरनेट है तो 8 का अल्टरनेट क्या होगा, 4, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि वन एटम कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द क्यूब, तो वन और लिख देंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/2 + 1, दैट इज 3/2। वहीं पे अगर हम वाई को कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ वाई एटम इन द यूनिट सेल कितने होंगे, देखिए आपको क्या किया गया है कि वाई क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस। तो आपको पता है यूनिट सेल में 6 फेस होती है और हर एक फेस 1/2 एटम उसमें कंट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो 6 फेसेस हैं, ऑक्यूपाई हो रही है 1/3 और हर एक का कंट्रीब्यूशन है 1/2। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, वैल्यू क्या आएगी, 1। तो हम निकाल रहे हैं एक्स रेशियो वाई, दैट इज 3:2:2, दैट इज 3:2, 3/2:y 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3:2। तो मतलब x 3 है और y 2 है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें x 3 है और y कितना है, 2। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को हमें मैच करना है किससे, विद लिस्ट 2। यहाँ पे जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 हमें गिवन है,
लिस्ट वन में हमें कटायंस दिए और लिस्ट टू में हमें ग्रुप रिएजेंट्स दे रखे हैं। जो यहाँ पे हमें कटायन दे रखे हैं वो दे रखे हैं ए बी सी और डी, यही हमारे ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमें इनको मैच करना है यहाँ पे कि ए के साथ कौन सा ग्रुप रिएजेंट मैच करेगा। तो हम सबसे पहले देखें जो ए हमें ग्रुप दे रखा है कटायंस का, उसमें दे रखा है कटायन लेड, दैट इज Pb2+ एंड Cu2+। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारा ग्रुप रिएजेंट है, दैट ग्रुप रिएजेंट जो होता है लेड और कॉपर के लिए, वो होता है H2S+HCl। बेसिकली जो हमारा लेड और कॉपर आयन है, दे आर बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 2 का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है H2S+HCl। क्लियर है? जो अगला हमें आयन दे रखा है वो दे रखे Al3+ एंड Fe3+। तो ये जो है ये बेसिकली किससे बिलोंग कर रहे हैं? दे आर बिलोंगिंग टू द ग्रुप नंबर 3। और थर्ड ग्रुप से बिलोंग करने के साथ साथ जो इनके ग्रुप रिएजेंट है दैट आर NH4Cl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें जो हमारा लेड आयन और कॉपर आयन है, इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? H2SN डाइल्यूट HCl। तो इसका मतलब ए का फर्स्ट क्या ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर है? अब हमने देखा एल्यूमिनियम और आयरन का जो ग्रुप रिएजेंट है वो अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी मतलब बी का क्या होगा? थर्ड होगा। तो बी का थर्ड सेकंड ऑप्शन में भी और फोर्थ ऑप्शन में भी है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड या फोर्थ में से होगा। अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट कटायंस, कौन कौन से? दैट इज Co2+ कोबाल्ट आयन और निकल आयन। जो कोबाल्ट आयन है दे बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 4 और इसके जो रिएजेंट है वो है NH4OH एंड H2S। तो देखो NH4OH एंड H2S किस में आ रहा है? फोर्थ। तो मतलब सी का फोर्थ ये आला है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 4 आंसर रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट। 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास। 9वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, एन एंटीबायोटिक मस्ट बी प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो आपको पता है एंटीबायोटिक क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, एन एंटीबायोटिक शुड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ और सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है एंटीबायोटिक ग्रोथ नहीं करता, सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये किल करता है और इनिबिट करता है ग्रोथ को। ठीक है, गलत। ये इसको किल भी करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उनको उनकी ग्रोथ को इनिबिट भी करता है। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट पे आ रहे हैं, एन एंटीबायोटिक इज अ सिंथेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक। ये भी बिल्कुल सही है कि जो सिंथेटिक एंटीबायोटिक है वो नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक के बिल्कुल एनालॉग होते हैं, सिमिलर होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, एन एंटीबायोटिक शुड बी इफेक्टिव इन लो कंसेंट्रेशन। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि एंटीबायोटिक जरूरी नहीं है कि हमेशा हायर कंसेंट्रेशन पे इफेक्टिव हो, लो कंसेंट्रेशन पे भी इफेक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या है? इनकरेक्ट है। बाकी तीनों करेक्शन बिल्कुल, बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा, द राइट आंसर विल बी 2 होगा। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट। 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन इज। तो हमें मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन के बारे में यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो
तो आपको पता है कि एक्वस मीडियम में देर आर टू फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। पहला तो क्या होता है, इंडक्टिव फैक्टर, ठीक है, और यहाँ पे एक और फैक्टर होता है, दैट इज स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर के साथ साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक रोल प्ले करता है, जिसको हम सॉल्वेट फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है कि जब हम मिथाइल का केस पढ़ रहे हैं, तो मिथाइल के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फैक्टर है, मतलब सॉल्वेट फैक्टर क्या होता है, दैट इज मोर डोमिनेंट होता है इंडक्टिव फैक्टर, ठीक है। इन दोनों के कंबाइनिंग इफेक्ट की वजह से जो हमारा सेकेंडरी डेरिवेटिव होता है, वो हमेशा क्या होता है, मोर बेसिक होगा, क्लियर है। और आपको पता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, डोमिनेंट है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कंपैरिजन कर रहे हैं मिथाइल अमीन में, तो सेकेंडरी है वो प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, मोर बेसिक होगा, बिकॉज ऑफ कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव और स्टेरिक फैक्टर और सॉल्वेट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर, ठीक है। बट जैसे ही हम आते हैं, मतलब सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी में कंपैरिजन में, तो प्राइमरी के केस में क्या होता है, एक चीज ध्यान रखेंगे, प्राइमरी के केस में जो हमारा MeNH2 है, ठीक है, वो क्या होता है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब सेकेंडरी के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो किसका आएगा, प्राइमरी का, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा टर्शरी अमीन का, मिथाइल अमीन डेरिवेटिव का, क्योंकि टर्शरी अमीन में कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता फॉर बॉन्डिंग। एंड ऑब्वियस है कि अल्काइल अमीन के कंपैरिजन में जो अमोनिया है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। तो हमें यह सीक्वेंस देखना है, ये सीक्वेंस किस ऑप्शन में आ रहा है, तो देखो जरा ध्यान से कौन सा ऑप्शन में आ रहा है ये। तो देखो दो और तीन ऑप्शन में हमें दिख रहा है सेकेंडरी डेरिवेटिव, ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन में हमें दिखा रहा है सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, देन टर्शरी एंड देन अमीन। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर टू क्या होगा, करेक्ट होगा, दिस विल बी आवर राइट आंसर। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए, जेई मेंस 2023, जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी 2023 का हमारे पास पेपर है, जिसमें हम 11वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम 25%, 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड मींस। हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब क्या होता है, दैट इज पहला ऑप्शन है, वन लेवल मार्केटेड सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ H2O2, सेकेंड है, 1 लीटर मार्केटेड सॉल्यूशन कंटेन 75 ग्राम ऑफ H2O2, थर्ड ऑप्शन है, 1 लीटर ऑफ मार्केटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 25 ग्राम, 250 ग्राम ऑफ H2O2, और फोर्थ ऑप्शन है, 100 ml मार्केटेड सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ H2O2। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोलैरिटी निकालेंगे H2O2 की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मोलैरिटी जब भी निकालते हैं, मोलैरिटी, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन की होगी वो क्या होगी, देखिए H2O2 सॉल्यूशन की, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, क्या दे रखा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, क्लियर है। अभी हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, 25। तो हम मोलैरिटी निकालने के लिए सिंपल सी इक्वेशन बनाएंगे, 25/11/2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करके वो आएगी 2.23 मोलर, क्लियर है, इज दैट पॉइंट क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ H2O2 इन 1 लीटर। हमें सिंपल ऐसा क्या करना है, H2O2 का मोलर मास निकालो क्या है, दैट इज 2 इंटू 1, दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस
16 इंटू टू, तो 2 प्लस 32, दैट इज 34 वैल्यू आएगी। तो हमें क्या करना है, ये मोलर मास है, दैट इज 2.23 इंटू 34। इससे हमें कैलकुलेट कर लेना है, जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 75.82 ग्राम। तो 75.82 ग्राम के आसपास कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन टू हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए, जेई मेंस 2023, जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी 2023 का हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ इज एक्स, एंड द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be3+ इज। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, एक्स दे रखी है रेडियस Li2+ की, तो BE की रेडियस एक्स के रिलेशन में क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेडियस इन nth ऑर्बिट फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज 0.529। इसकी जगह हम ए नॉट भी लिख सकते हैं जैसा फॉर्मूले में गिवन होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, दैट इज मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चाहे मैं इसको एन स्क्वायर अपॉन जेड इस टर्म में लिख दू, चाहे इस टर्म में लिख दू, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाली टर्म ले लेते हैं, जनरल वाली ए नॉट, क्योंकि इसका हमें कोई भी यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लिथियम, ठीक है, लिथियम 2+ के लिए आपको पता है यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है यहाँ पे बेरिलियम 3+, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन पुट करना स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट केस हम क्या ले रहे हैं, रेडियस ऑफ Li2+ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे Li2+ की बात कर रहा हूँ, और रेडियस यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है सेकेंड ऑर्बिट में। तो फॉर्मूला में क्या लिख रहा हूँ, ए नॉट इंटू, ठीक है, आपको कौन सा ऑर्बिट दे रखा है, 2, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है लिथियम के केस में, 3, ठीक है। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू एक्स दे रखी है, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 2 टू 4/3, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब जो दूसरा केस दे रखा है वो बेरिलियम का दे रखा है, दैट इज Be3+ का। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें Be3+ दे रखा है, तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ Be3+, जहां पे एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो ए नॉट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, एन की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी बेटा, बेरिलियम का जेड वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, तो अपॉन में 4। तो इक्वेशन क्या आएगी, Re3+N=3 इज इक्वल टू A0 × 9/4। क्लियर है, ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम जब दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें लिखना है एक्स अपॉन Re3+ इज इक्वल टू A0 × क्या आएगा भाई, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, A0 4/3, ठीक है, Re3+ की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज A0 × 9, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा, 4 ऊपर। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई A0 से A0 गया, 4 4 16 और 3 9 27 आ गया। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट इज रेडियस ऑफ Be3+ वेयर n=3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 27/16 एक्स वैल्यू आएगी। अब ये देखो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो अगर हम इन चार ऑप्शंस में देखें
तो ये आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर वन में। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सो इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन ए, जेई मेंस 2023, जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में है, आर रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड विद वाइट फॉस्फोरस फॉर्म अ कंपाउंड ए विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कंपाउंड बी द डायबेसिक एसिड, ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा क्या है, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपको अगर ये रिएक्शन याद है तो ही ये क्वेश्चन होगा। दैट इज P4 रिएक्टेड विद SOCl2 विल फॉर्म PCl3 प्लस SO2 प्लस S2Cl2। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फोर ऑफ PCl3, फोर ऑफ SO2 और ट्वाइस ऑफ S2Cl2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड ए है वो है PCl3। जो कंपाउंड ए PCl3 है यहाँ पे बना है, इसकी रिएक्शन हम थ्राइस ऑफ H2O से कराएंगे, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H3PO3 बाय द रिलीज ऑफ 3 मोल ऑफ HCl। तो ये जो H3PO3 है ये हमारा कंपाउंड बी है। तो हमें ऑब्जर्व करना है भाई, कौन से ऑप्शन में जो हमारा कंपाउंड ए है वो PCl3 आ रहा है और बी H3PO3 आ रहा है। तो हमने ऑब्जर्व करा कि ऑप्शन नंबर 4 में यही सीक्वेंस ऑब्टेन हो रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए, जेई मेंस 2023, जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। इनर्ट गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट्स करेक्ट ऑर्डर इज, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले हमने देखा हीलियम, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमें, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और नियॉन दे रखे हैं। तो कौन सा सीक्वेंस होगा, इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख लेते हैं। जो हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कितनी होती है, +48 होती है। वहीं पे जो नियॉन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, +116 है। और वहीं पे क्रिप्टॉन की जो वैल्यू है वो है +96, और ज़ेनॉन की जो वैल्यू होती है वो है +77। तो अगर हम इन चारों वैल्यू को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है नियॉन की, नियॉन के बाद जो सेकंड वैल्यू है वो है क्रिप्टॉन की, क्रिप्टॉन के बाद है ज़ेनॉन की, और सबसे कम किसकी आ रही है, हीलियम की आ रही है। तो अगर हम इसमें कंपेयर करें कि ये ऑप्शन हमारा कहाँ आ रहा है, तो हमने ऑब्जर्व करा कि ऑप्शन नंबर 3 में, 3 नहीं, इसमें कौन सा हैगा, हाँ ऑप्शन नंबर 2, पहले नियॉन, फिर क्रिप्टॉन, फिर ज़ेनॉन और फिर हीलियम। तो मिनिमम हीलियम है, फिर ज़ेनॉन है, फिर क्रिप्टॉन है, और ये फिर क्या है, नियॉन। तो इसमें 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, जेई मेंस 2023, जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी 2023, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, बेंजीन के साथ एक जगह मिथाइल ग्रुप अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, दोनों मिथाइल के पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करके पहले कंपाउंड ए बन रहा है, ए की रिएक्शन SN/HCl से बी बन रही है, बी की रिएक्शन किससे हो रही है, NaNO2/HCl से, तो बन रहा है कंपाउंड सी, कंपाउंड सी की रिएक्शन S3PO2/H2O से कंपाउंड डी बन रहा है, और उसके बाद डी को KMnO4/KOH से रिएक्ट किया है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये इसने बनाया कंपाउंड ई। तो हमें इस पूरे सीक्वेंस में आइडेंटिफाई करना है ए को और ई को। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन चार ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पे चुनना है। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम क्या करें, सीधा रिएक्शन ही कराते हैं। भाई आपको पता है बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, +R,
और प्लस आर क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। वहीं पे जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो कौन से इफेक्ट दिखाता है, माइनस आर, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो हम क्या करें, मेटा पोजीशन नाइट्रो के हिसाब से ये मेटा पोजीशन है, ठीक है, और मिथाइल के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, और इसका जो पैरा पोजीशन है वो ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमिनेशन होगा वो इस पोजीशन पे होगा, चाहे इस पे कर दो चाहे इस पे कर दो, बात एक ही होगी। तो इसका मतलब जो हमारा पहला प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप, और नीचे नाइट्रो ग्रुप, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, बी आर। क्लियर है। अब हम क्या करें, दूसरा हमारे पास रिएजेंट क्या दे रखा है, एस एन ऑब्लिक एस सी एल। आपको पता है एस एन ऑब्लिक एस सी एल अगर नाइट्रो में लगता है तो इस ये नाइट्रो को किस में कन्वर्ट करता है, एन एच टू, दैट इज अमीन में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड बी है वो क्या होगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, नीचे एन एच टू ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आर। अब ये देखो ये क्या है, एन ए एन ओ टू ऑब्लिक एस सी एल, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज अ डायजोटाइजेशन रिएक्शन, और डायजोटाइजेशन में जो एन टू सी एल, जो एन एच टू है, इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू द एन टू सी एल। तो इसका मतलब जब हम कंपाउंड सी ड्रॉ कर रहे होंगे तो कंपाउंड सी को ड्रॉ करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे बी आर, पैरा पोजीशन पे एन टू सी एल, डाइजोनियम क्लोराइड आएगा। डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम एस थ्री पी ओ टू ऑब्लिक एच टू ओ से करते हैं तो जो एन टू सी एल हट के यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, मीन्स बेंजीन में कन्वर्ट होता है। कई बार टीचर ने बोला होगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि एन टू सी एल हट जाता है और एच आ जाता है। तो इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड डी होगा, कंपाउंड डी के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा होगा वो क्या होगा, सबसे पहले बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मिथाइल, ऑर्थो पोजीशन पे बी आर, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब हमें दे रखा है के एम एन ओ फोर ऑब्लिक के ओ एच, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपको पता है के एम एन ओ फोर क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये मिथाइल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहां पे हमारा मिथाइल ग्रुप है वहां पे आ जाएगा सी ओ ओ एच, और इसकी ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएगा बी आर। क्या जाएगा, इसकी ऑर्थो पोजिशन पे बी आर। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो अब आप देखो ये हमारा ई है और ये हमारा ए है, ए में मिथाइल ग्रुप, बी आर और एनओ टू। तो देखो मिथाइल बी आर एनओ टू एक तो दो में आ रहा है, और मिथाइल ब्रोमो एनओ टू चार में आ रहा है, मिथाइल ब्रोमो एनओ टू आपका तीन में आ रहा है। तो मतलब तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम ई की बात करें तो ई में क्या आ रहा है, सी ओ ओ एच बी आर, तो सेकेंड ऑप्शन में देखें तो ये तो गलत आ रहा है ई इसमें, ठीक है। थर्ड में ये सही आ रहा है, फोर्थ में ये गलत आ रहा है। तो इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर थ्री हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है, रो वन एंड रो टू हमें यहाँ पे मेंशन की गई है। रो वन में चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, और रो सेकंड में भी चार हमें नेम दिए हुए हैं। हमें करेक्ट मैच करना है इसके अंदर। तो करेक्ट मैच करने के लिए ये हमें क्या दे रखे हैं, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन के मैच बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो भाई ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी नॉलेज से ये फाइंड आउट करें कि भाई ये सिक्स मेंबर रिंग है और ये फाइव मेंबर रिंग है। तो सिक्स मेंबर रिंग को बोलते हैं पायरनोस और फाइव मेंबर रिंग को बोलते हैं फर्नोस। तो आप देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के सामने फर्नोस लिखा है, तो मतलब ये तो होने से रहे। अब आपको पता है ओ एच नीचे की तरफ है तो ये अल्फा पोजिशन होती है, और ओ एच ऊपर की तरफ होता है तो ये कौन सी पोजिशन होती है, बीटा। तो इसका मतलब जब हम ए ऑप्शन का करेक्ट नाम ढूंढ रहे हैं तो ये क्या है, अल्फा। तो देखो पायरनोस में अल्फा क्या है, थर्ड में, डी ग्लूकोपायरनोस, तो मतलब पहले का जो मैच होगा वो होगा थर्ड, ठीक है। ये भी पायरनोस रिंग है तो पायरनोस ढूंढा,
ओ एच ऊपर की तरफ है तो क्या है बीटा, तो बी का जो करेक्ट मैच है वो क्या होगा, फोर्थ वन होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, फाइव मेंबर रिंग है, तो क्या होगा, ये दोनों ही फर्नोस होंगे। बट ओ एच क्या है, नीचे की तरफ है तो ये क्या है अल्फा, तो अल्फा डी फ्रक्टो फर्नोस, तो सी का जो करेक्ट मैच होगा वो होगा फर्स्ट, और बचा क्या है डी, तो ऑब्वियस है बीटा ऊपर की तरफ लिखा होता है, तो डी का करेक्ट मैच क्या होगा, सेकंड। क्लियर है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस में देखें, ए का थर्ड किस किस ऑप्शन में, थ्री ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में, बी का फोर्थ किस किस ऑप्शन में है, थर्ड और फोर्थ, सी का फर्स्ट कौन सा ऑप्शन में, फोर्थ में, ठीक है, सी का फर्स्ट, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर, तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 25 जनवरी 2023 का हमारे पास पेपर है, जिसका हम 17 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो भाई आपको पता है कि जो कॉपर के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो कॉपर ओर होती है, इट इज कंटेनिंग Cu2S एज वेल एज FeS। क्लियर है, जहां पे हम देखते हैं कि Cu2S O2 के साथ रिएक्शन करके Cu2O बनाता है, और FeS O2 के साथ रिएक्शन करके FeO बनाता है, जो FeO है वो SiO2 के साथ रिएक्शन करके फ्यूजेबल मटेरियल FeSiO3 दैट इज स्लैग बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं किस में, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो पहली रिएक्शन हम देख रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट में हमारा क्या दे रखा है, यही रिएक्शन दे रखी जो हमने पहले देखी, फिर ऑप्शन सेकंड में हमारी स्लैग फॉर्मेशन दिखा रखी है, ऑप्शन नंबर थ्री में हमारा FeS से आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए दिखाया है, FeO बनाने के लिए दिखाया हुआ है, तो ये भी रिएक्शन है। बट जो CaOSiO2 विल गिव्स यू CaSiO2, दिस इज अगेन अ रिएक्शन फॉर द स्लैग फॉर्मेशन, पर ये जो स्लैग फॉर्मेशन होती है, ये स्लैग फॉर्मेशन होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, ना कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में, तो ये रिएक्शन आयरन के लिए है, कॉपर के लिए नहीं है। तो इन चारों रिएक्शन में से जो ऑप्शन नंबर चार की रिएक्शन है, ये क्या होती है, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, बट क्वेश्चन आया है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में से, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना, ये रिएक्शन, तो इसका मतलब यही हमारा क्या राइट आंसर आएगा, क्योंकि तो इस ऑप्शन में जो रिएक्शन यूज हो रही है वो Fe के लिए यूज होती है, ना कि कॉपर के लिए, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ सेक्शन ए जेई मेंस 2023 25 जनवरी 2023 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, क्वेश्चन है सम रिएक्शंस ऑफ NO2 रेलेवेंट टू फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन आर। तो हमें ये रिएक्शन दे रखी है जहाँ पे NO2 सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर जब रिएक्शन कर रहा है तो दो कंपाउंड बना रहा है एक्स एंड वाई, जो ए के साथ कंबाइन करके क्या बना रहे, बी। जनरली क्या होता है कि जब NO2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है O प्लस NO, ठीक है, और ये जो O है ये O2 के साथ रिएक्शन करके O3 बनाता है, तो इसका मतलब ये हमारा B है, ये हमारा A है, इनमें से एक X है और एक क्या है, Y। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा X क्या दे रखा है, O और NO दे रखा है, ठीक है, ठीक है, और Y दे रखा है O और NO, A O2 O2 दे रखा है और B O3 दे रखा है, तो इन सारे ऑप्शंस में से सिर्फ ऑप्शन नंबर टू क्या है, वह उसी में B O3 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये O क्या है X और NO क्या है Y और O2 क्या है A और B क्या है O3, तो हमने देखो एक कंपाउंड और सिर्फ पहचाना, उसी से ही पूरा का पूरा आंसर हो गया। तो देखना जरा क्वेश्चन करने के तरीके को जरूर समझें कि कैसे हमें
क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? इज दैट पॉइंट क्लियर? सो नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ सेक्शन ए जेई मेंस 2023। जनवरी अटेम्प्ट का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2023 का। क्वेश्चन में दे रखा है पी में ऐसा क्या डालें कि ये क्या बन जाए, क्यू और आर। आप देख रखो यहाँ पे पीएच लिखा है, तो इसका मतलब फिनाइल ग्रुप है, मतलब बेंजीन है इसके साथ, यहाँ पे फिनाइल है, और इसके साथ COH और CH2OH लिखा हुआ है। और पी में हमें कितने कार्बन दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसका मतलब फिनाइल रिंग बनाने के लिए इसका एरोमेटाइजेशन हमें करना होगा। तो अगर आप देखें CrO2Cl2 से एरोमेटाइजेशन नहीं होता, KMnO4 से एरोमेटाइजेशन नहीं होता, ठीक है, Cr2O7, Cr2O3 770 के 20 एटमोसफेयर पे एरोमेटाइजेशन होता है, ठीक है? तो हम इस वाले सीक्वेंस को ऑब्टेन करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को, ठीक है? तो अब देख लेते हैं हम सबसे पहले इसमें, तो हमने क्या देखा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन का हमारे पास कंपाउंड पी है, जिसके अंदर हमने ऐड करा क्या, Cr2O3 770 के 20 एटमोसफेयर पे जो हमारा कंपाउंड बनेगा, जो इसमें 6 कार्बन होंगे वो तो एरोमेटिक रिंग बनाएंगे, दैट इज बेंजीन, ठीक है? और जो 7वां कार्बन है वो किस फॉर्म में आएगा, मिथाइल, ठीक है? अब आपको पता है जो CrO2Cl2 ये क्रोमाइल क्लोराइड है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो, इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ हाइड्रोलिसिस करने पे तो क्या होता है कि जब हम टोलीन को CrO2Cl2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो जो हमारा मिथाइल ग्रुप है इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज CHO। अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है, इसका अगला जो रिएजेंट है वो NOH डालना है। तो अगर हम इसमें NOH डाल दें कंसंट्रेटेड, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन होगी। जब कैनिजारो रिएक्शन होगी तो कैनिजारो रिएक्शन से आपको पता है कि एक कंपाउंड तो बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और एक बनता है एल्कोहल, तो कार्बन का क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे दैट इज H2O/H+, तो आपको पता है यही सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो ये जो COH है ये हमारा Q है, दिस इज कंपाउंड Q, और ये जो एल्कोहल है ये हमारा क्या है, R, दिस इज कंपाउंड P। तो मतलब करेक्ट सीक्वेंस क्या आ रहा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? राइट आंसर क्या है, 3। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन ए जेई मेंस 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी का, 25 जनवरी 2023 का पेपर है। क्वेश्चन है कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले ए रिएक्ट कर रहा है NH4Cl से और फॉर्म कर रहा है कंपाउंड बी, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कंपाउंड बी रिएक्टेड विद H2O एंड CO2 इन एक्सेस, तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, इट विल फॉर्म कंपाउंड सी। और कंपाउंड सी व्हेन पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें आइडेंटिफाई करना कंपाउंड ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। आपको याद होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बनाया हुआ है, तो वहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो जब हम ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या बनता है, इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaHCO3
एन एच फोर सी एल बनता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो अगर हम इसको यहां से उठाएं इस क्वेश्चन को कि भाई इसका मतलब क्या है कि अमोनिया, हमें ऑलरेडी बोला गया है कि कंपाउंड में क्या डाला गया, एच टू ओ और सी ओ टू, तो यहाँ पे हमने देखा एच टू ओ सी ओ टू है, ठीक है। एन ए सी एल डाला गया है, एन ए सी एल हमें मिल गया, तो इसका मतलब जो हमारा रिमेनिंग सब्सटेंस है वो क्या, कंपाउंड भी अमोनिया ही है। तो हमें अमोनिया कैसे मिलेगा इस चीज को समझना होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो हमारा एन ए एच सी ओ थ्री की रिएक्शन अगर हम एन एच फोर सी एल से कर रहे हैं, तो अगर हम इन एक्सचेंज ऑफ आयंस को करें तो हमें क्या मिलेगा, क्या कंपाउंड मिलेगा, हमें कंपाउंड मिलेगा एन एच फोर एच सी ओ थ्री प्लस एन ए सी एल। तो इसका मतलब सी हमारा क्या है, एन एच फोर एच सी ओ थ्री और एन ए सी एल हमें यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब ये हमारा क्या, कंपाउंड सी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। मैंने क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट किया है, आगे से नहीं। जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन आगे से सॉल्व हो रहा है, अगर नहीं आ रहा समझ में तो पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करो जहां से आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्लियर है। तो अब आपको पता है कि इसमें जो सी बनाने में एच टू और सी ओ टू जरूरत है, तो इसका मतलब क्या है कि हम एन एच फोर एच सी ओ थ्री में से सी ओ टू निकाल देते हैं पहले, तो क्या बचा, एन एच फोर एच ओ, इसमें से हम एच टू ओ भी निकाल देते हैं क्योंकि ये तो बोला गया है, तो क्या बचेगा एन एच थ्री। तो इसका मतलब जो कंपाउंड बी है हमारा वो क्या है, एन एच थ्री है, कंपाउंड बी क्या है, एन एच थ्री। अब देखो सी एन एच फोर एच सी ओ थ्री किस ऑप्शन में, तो हमने देखा एन एच फोर एच सी ओ थ्री हमारा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट में और फोर्थ, ठीक है। अब बी क्या है, अमोनिया, तो देखो बी इसमें अमोनिया फोर्थ में भी आ रहा है और फर्स्ट में, तो मतलब हमारा आंसर फर्स्ट और फोर्थ में से ही कोई है, ठीक है। सेकंड और थर्ड हमारे चले गए। अब एक बात बताओ, कैल्शियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट से रिएक्ट करके आपको एन एस थ्री तो देने से रहा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कंपाउंड ए है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, क्यों, क्योंकि तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो जब आपका एन एच फोर सी एल से रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट बनाता है एन एच थ्री अमोनिया, ठीक है, प्लस सी ए सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस एच टू ओ। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ट्वाइस ऑफ एन एच फोर सी एल लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एन एच थ्री, ठीक है, और ट्वाइस ऑफ एच टू ओ यहाँ पे फॉर्म होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे से मैंने सॉल्व किया है, कोई भी इसमें डायरेक्ट मेथड मैंने यूज नहीं किया है, बिल्कुल लॉजिकल सॉल्व किया है। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन बी, जेई मेंस 2023, जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी 2023 का हमारे पास पेपर है। रिएक्शन है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी द हाफ लाइफ इज 30 मिनट, द टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज, हमें ये न्यूमेरिक वैल्यू वाले क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिक वैल्यू हमें बतानी है नियरेस्ट इंटीजर तक, जहाँ पे हमें लॉग टू लॉग थ्री और लॉग फाइव की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। क्लियर है। तो अब देखिए हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो 75% कंप्लीशन दिया है, तो हम यहाँ पे मानेंगे लेट ए इज इक्वल टू 100%, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और एक्स मतलब जो कंज्यूम कंसंट्रेशन है वो करनी है 75%। तो ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी, 100 माइनस 75, दैट
दैट इज 25। क्लियर है? अब आपको पता है टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज 0.693 अपॉन टी हाफ, इट इज टी हाफ। आपको पता है जो 0.693 होता है वो इक्वल होता है 2.303 इंटू 0.3010 के, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसका मतलब के क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन टी हाफ, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करें हम, T75% हमें निकालना है, तो इक्वेशन क्या होगी, दैट इज 2.303 के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, दिस इज द कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो हमने पुट किया 2.303, के की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है कितनी है, दैट इज 2.303 इंटू 0.3010, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा टी हाफ लॉग ए की जगह 100 और ए माइनस एक्स कितना है 25, 25 फोर जा 100, तो वैल्यू क्या आएगी, 2.303 से 2.303 कट गया, टी हाफ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, दैट इज 30 मिनट, तो हम सीधा क्या पुट करेंगे, 30 अपॉन 0.3010 लॉग 4। अब लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.6021, दैट इज 30 डिवाइड बाय 0.3010 इंटू 0.6020। क्लियर है? यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू आएगी 2, तो 30 इंटू 2 60 मिनट हमारा क्या होगा आंसर, सो दिस इज अ 60 मिनट, ये हमारा आंसर यहाँ पे होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, कोई ध्यान देंगे है ना। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट का 25 जनवरी का पेपर है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इन गैशियस स्टेट। तो आपको पता है भाई स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है ना, उतनी ही क्या होगी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो मतलब इन जितने भी हमें एलिमेंट यहाँ पे दिए हैं, दैट इज V3+, Cr3+, Fe2+, Ni3+, तो इसमें हम क्या करें, इनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, जिनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है उनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगी, सेम होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, वी वनेडियम, फिर उसके बाद लिख रहा हूँ क्रोमियम, फिर लिख रहा हूँ आयरन, और फिर उसके बाद लिख रहा हूँ मैं निकल, ठीक है। वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, निकल। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 23, क्रोमियम 24, आयरन 26, निकल 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, आर्गन 18 है ना, 4s2 3d3। अगला है हमारे पास क्रोमियम, दैट इज आर्गन 18, 4s1 3d5। उसके बाद आयरन, दैट इज आर्गन 18, 4s2 3d6। और उसके बाद है आर्गन 18, 4s2 3d8। अब हमें क्या करना है, V को V3+ में कन्वर्ट करना है, तो दो इलेक्ट्रॉन S के और एक D का, तो यहाँ पे कंडीशन आएगी 3d2। यहाँ पे क्रोमियम में हमें क्रोमियम को किस में कन्वर्ट करना है, V को हमने किस में कन्वर्ट करा, V3+, क्रोमियम को Cr3+ में कन्वर्ट करना है, तो एक यहां से और दो यहां से, तो यहां पे कंडीशन आएगी D3 3D3। अब आयरन को किस में कन्वर्ट करना है, Fe
2+ में, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे कंडीशन आएगी 3d6। और यहाँ पे हमें निकल को किस में कन्वर्ट करना है, Ni3+ में, तो यहाँ पे कंडीशन आएगी 3d7। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5d ऑर्बिटल हमने बनाए, 1 2 3 4 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। 3d3 में हमने क्या किया, 5d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 हमने मेंशन कर दिए। अब d6 में देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6। d7 में देखिए, 1 2 3 4 5, d7 क्या होगा, 1 2 3 4 5, 6 और 1 7। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो भाई जिसमें इक्वल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, सेम। तो इसमें ऐसे दो आयन है जिनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तो वो दो आयन कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज Cr3+ ये वाला, और दूसरा है Ni3+, दैट इज दिस वन। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगी। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका 2। न्यूमेरिक बेस क्वेश्चन है, ध्यान रखें। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट। फर्स्ट शिफ्ट हमारा 25 जनवरी का 2023 का पेपर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 23। जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें लिखा है, इन सल्फर एस्टिमेशन 0.47 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 1.4439 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज, हमें नियरेस्ट बता देनी है परसेंटेज, जहां पे एटॉमिक मास ऑफ बेरियम दे रखा है, सल्फर का एटॉमिक मास दे रखा है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमें गिवन है। क्लियर है। अब सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि एस्टिमेशन ऑफ सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज परसेंटेज ऑफ सल्फर होता है 32 डिवाइडेड बाय 233। यहाँ पे 32 क्या है, वेट ऑफ सल्फर, एंड 233 इज द वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, इनटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ओसी, ओसी इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनटू 100। क्लियर है। तो देखो ये हमें दे रखा है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दे रखा है हमें वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, 32 डिवाइडेड बाय 233 इनटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट कितना दे रखा है, 1.44। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा है 0.471। ठीक है, इनटू में क्या लिख देना है, 100। क्लियर है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 41.98, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 42। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर बोला है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 42। इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है हमारे पास 25 जनवरी 2023 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पीवीसी इन साइक्लोहेक्सानोन एट 300 केल्विन आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, द मोलर मास ऑफ पीवीसी इन ग्राम पर मोल। हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर निकालना है, आर की वैल्यू गिवन है, जो ग्राफ है वो पाई वर्सेस सी है, और वर्सेस पाई, पाई अपॉन सी वर्सेस सी है, और ये हमें स्लोप दे रखा है।
अब क्वेश्चन में देखो, जो सी की वैल्यू दे रखी है वो ग्राम पर लीटर दे रखी है। आपको पता है जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर लिखते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, पाई किसके बराबर होता है, एम आर टी। यहाँ पे पाई क्या है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एम क्या है, दैट इज मोलैरिटी, ठीक है, आर क्या है, दैट इज गैस कांस्टेंट। कुछ बच्चे कह रहे होंगे भी बुक में तो पाई इज इक्वल टू सीआरटी लिखवाते हो सर, आप यहाँ पे एम क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है ग्राम पर लीटर में, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एम यहाँ पे यूज किया है। टी इज टेम्परेचर, क्लियर है। तो अब आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हमें इसको इलेबोरेट करना है, सिंप्लीफाई करना है मतलब। तो हमने लिखा पाई इज इक्वल टू एम आर टी आ गया, एम क्या होता है, एन बाय वी आर टी, एन क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इंटू वी इंटू आर इंटू टी, ये आ गया। अब हम क्या करें, वेट बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी अपॉन एम आ गया, तो वेट बाय वॉल्यूम हमारा क्या होगा, सी, क्योंकि तो यहाँ पे देखो ग्राम पर लीटर यूनिट दे रखी है, तो हमने इसको कंसीडर कर लिया सी। तो इक्वेशन हो गई सी इंटू आर टी अपॉन एम इजकल टू पाई। तो यहाँ पे अगर मैं सी को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन हो जाएगी पाई बाय सी आर टी अपॉन एम, तो ये पाई बाय सी हो गया, क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, हमारा ये ध्यान है यहाँ पे कि भाई ये जो हमने ग्राफ जो बनना चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से तो क्या बनना चाहिए, देखिए ये हमने क्या लिया है, जैसे यहाँ पे लिया है एक्स एक्सेस पे सी, वाई एक्सेस पे पाई अपॉन सी लिया। तो यहाँ पर आपको पता है कि आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो रहेगा जीरो, ठीक है। तो अब हम क्या करें, क्वेश्चन को राइट डायरेक्शन में लेके जाए। अब इसी क्वेश्चन को हम इलेबोरेट कर रहे हैं, हमने लिखा पाई इज इक्वल टू आर टी एम इंटू सी, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन के हिसाब से देखें तो आर टी एम हमारा क्या है, स्लोप, और इस ग्राफ में जो स्लोप की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6 × 10⁻⁴। तो हम क्या लिखे, आर टी एम इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁴। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, आर इंटू टी अपॉन 6 × 10⁻⁴। वैल्यू देखो आर के हमें गिवन है, दैट इज 0.083। टेम्परेचर हमें गिवन है, दैट इज 300 केल्विन, ठीक है, अपॉन में जो हमें स्लोप की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6 × 10⁻⁴। तो नेट वैल्यू कितनी आ रही है, देखो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आएगी 4150 के आसपास वैल्यू आएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर, एक बार वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको, यही आंसर आ रहा है कि नहीं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है, यही आ रही है बेटा, दैट इज 4150। तो ये क्या है, एम है, तो मोलर मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब हम यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 4150 ग्राम पर मोल। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है सभी को। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी, जेई मेंस 2023, जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी 2023 का हमारे पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है देखिए जरा ध्यान से, द डेंसिटी ऑफ अ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, मोलर मास 24.2 ग्राम पर मोल इज 1.21 kg पर लीटर, द वॉल्यूम ऑफ इट्स सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.24 मोलर NaOH इज, वैल्यू हमें बतानी है 10⁻² में, और नियरेस्ट इंटीजर तक हमें वैल्यू बतानी है, क्लियर है।
तो अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.21 kg पर लीटर। तो हम यहाँ से पहले ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि केजी पर लीटर का मतलब है कि यहाँ पे जो मास है वो है 1.21 kg और 1210 ग्राम। क्लियर है। लीटर का मतलब है यहाँ पे जो वॉल्यूम आपको गिवन है, दैट वॉल्यूम इज 1 लीटर और 1000 ml। क्लियर है। अब हम क्या करें, यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दें। मोलैरिटी क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V in ml। इस क्वेश्चन में हमें मोलर मास भी गिवन है, तो हमने लिखा मोलर मास कितना है, 24.2 ग्राम पर मोल। क्लियर है। अब हम क्या करें, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें। एम क्या है, वेट कितना दे रखा है, 1.1210, क्योंकि हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था। डिवाइड अपॉन में क्या आ जाएगा, 24.2। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम दे रखा है 10^3 और ऊपर भी क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन 10 आ जाएगा। तो 1211 1242 ये आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 100/2, दैट इज 50 मोलर। तो हमने इस मोलर को समझा, m1 = 50 मोलर। V1 हमें निकालना है कि इसका कितना वॉल्यूम हमें डालना है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है M2, जिसकी मोलैरिटी दे रखी है हमें 0.24। यहाँ पे देखो ये दे रखी है NaOH की। और यहाँ पे क्या दिया है, V2। V2 हमारा कितना दे रखा है, 25 ml। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, m1 v1 = m2 v2। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ v1 = m2 v2 / m1। तो अब आप एक बात बताओ, व्हाट इज द v1, m2 की वैल्यू कितनी है, 0.24, v2 की वैल्यू कितनी है, 25, और m1 की वैल्यू कितनी है, 50। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, 51 = 50, 25 = 25, 25 = 50। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ रही है 0.12 ml। बट हमें ये वैल्यू किस में एक्सेस कर दी है, 10^-2 में। वो वैल्यू आ रही है 12 × 10^-2। तो इसका मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें न्यूमेरिक डिजिट जो फिल करनी है वो क्या रहेगी, 12 रहेगी। ठीक है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट पॉइंट क्लियर? तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी 2023 का पेपर है। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है हमारे पास। 26वें क्वेश्चन में लिखा है, एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6 फॉर एनर्जी। दिस इज इक्वलेंट टू 1800 kJ ऑफ एनर्जी। द 50% ऑफ दिस एनर्जी इज गेन्ड is utilized by the athlete for sports activity at the event. In order to avoid storage of energy, the weight of extra water he would needed to perspire is in gram में हमें बताना है। तो भाई एक एथलीट ने ना 100 ग्राम ग्लूकोज लिया जो 1800 kJ एनर्जी के बराबर है, जिसमें से आधी जो एनर्जी उसने क्या करी, एथलेटिक एक्टिविटी में लगा दी। ठीक है। बाकी जो आधी एनर्जी बची उसमें से उसको कितना वेट लॉस करना पड़ेगा पानी को इवेपोरेट कराने में, ठीक है, वो हमें बताना है, कितने अमाउंट ऑफ वाटर उसको इवेपोरेट करना पड़ेगा जो कि उसका वजन ना बढ़े। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो क्वेश्चन में गिवन है कि एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर 45 kJ दे रखी है और मोलर मास, एटॉमिक मास आना चाहिए था वैसे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 12, 1 और 16 दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या देखें कि जब हम ग्लूकोज जो हमारा है C6H12O6, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो
तो कहाँ होता है सभी को पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है 6 ऑफ CO2 प्लस 6 ऑफ H2O प्लस में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हैं ग्लूकोज के, वेट ऑफ ग्लूकोज हमें दे रखा है कितना, 100। ठीक है, तो अब हम क्या करें सबसे पहले कि भाई इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें। अगर मैं कहूं कि इसके निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट किलो जूल एनर्जी दे रखी है, हम उसी से सॉल्व करें क्वेश्चन को, नंबर ऑफ मोल्स की तरफ हम क्यों जाते हैं। हम सीधी सी बात करते हैं कि भाई एनर्जी फॉर एथलीट फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भाई टोटल एनर्जी 1800 किलो जूल, तो उसमें कह रहे 50% एनर्जी एक्टिविटी के लिए यूज होली, तो कितनी होगी, 900 किलो जूल, 900 किलो जूल। ठीक है, तो प्रेस फायर के लिए कितनी एनर्जी बचेगी, ओनली 900 किलो जूल। जो हमें एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपराइजेशन दे रखी है वो 45 किलो जूल पर मोल दे रखी है। तो हम सीधी सी एक बात बोले कि भाई 45 किलो जूल हमें एनर्जी इन्होंने दे रखी है 1 किलो जूल के लिए। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हम फाइंड आउट कर लें कैसे, कि भाई 45 किलो जूल एनर्जी नीडेड फॉर पर मोल दे रखे तो 1 मोल, तो एक कितने में चाहिए होगी, 1/45, तो है कितनी, 900। तो 900 में कितनी चाहिएगी, 1/45 × 900, तो नेट वैल्यू आएगी 20 मोल। ठीक है, तो 20 मोल हमारे पास क्या है, वाटर आए। ठीक है, 1 मोल वाटर के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 45 किलो जूल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाटर। ठीक है, तो 900 में कितने चाहिए, 20 मोल ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ पे निकाल ले वेट ऑफ वाटर कितना होगा, तो आपको पता है 20 मोल है, और वेट ऑफ मोलर मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18, 18 × 360, तो कितना आ जाएगा, 360 ग्राम हमारा आंसर आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 360 ग्राम। इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास। 27 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो है द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज, तो मैं पैरामैग्नेटिक स्पीशीज यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहला है NiCN4 2-। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, वो आएगी +2, सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, X+-1 × 4 − 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो निकल की वैल्यू आएगी +2। अब आपको पता है निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगी Argon 18, 4s2 3d8। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी, दैट इज Argon 18 3d8 रह जाएगी। तो इसका मतलब जब हम डी ऑर्बिटल फिल करेंगे निकल के, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो पहले क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बट आपको पता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। जब पेयरिंग कराएगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, दैट इज
एक दो तीन चार पांच छह सात और एक आठ, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, जीरो। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट हमारा दे रखा है NiCO4। तो NiCO4 में जो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो होती है, क्योंकि तो आपको पता है कोबाल्ट यहाँ पे जो कार्बोनिलेस की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगी, आर्गन 18, 4s2 3d8। तो पहले हम डी के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, कितने, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, दो ये बचे, और एस के दो। आपको पता है सीओ भी स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएंगे, तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, जीरो। ठीक है, तो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक, तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है और ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है। अगला आ रहा है NiCl। तो अगर हम NiCl4 की बात कर रहे हैं और ऊपर 2- है, तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2, जैसा हमने ऊपर कैलकुलेट करा था। Cn की जगह Cl की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी Ni2+ की, वो सिमिलर आएगी यहाँ पे, दैट इज आर्गन 18 3d8। और यहाँ पे जो फिलिंग की कंडीशन आएगी वो भी सिमिलर आएगी, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब NiCl में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2। इसका मतलब ये क्या है, पैरा मैग्नेटिक। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं हुई, तो सभी को ध्यान होगा ना Cl क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग शो नहीं करता। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, Fe(CN)6-4- के लिए। तो पहले हमने लिखा Fe(CN)6-4-, तो यहाँ पर भी हम अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। भाई Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 18, 4s2 3d6। क्लियर है, तो Fe2+ आर्गन 18 3d6, ये कंडीशन आ जाएगी। d6 का मतलब क्या है, यहाँ पे कि हमारे जो 5d ऑर्बिटल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, एक दो तीन चार पांच में, एक दो तीन चार पांच और एक छ। ठीक है, अब आपको पता है सीएन क्या है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, जब स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग कैसे होगी जरा देखिए, तो एक दो ये वापस आ जाएंगे, तीन चार पांच और एक छ, तो ये दोनों यहाँ पे जंप कराएंगे, तो दो ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, जीरो रहने वाले। तो मतलब Fe में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो रहने वाले, Fe(CN)6-4-। ठीक है, उसके बाद हमारा बचता है Cu, CuNH3(4)2+। ठीक है, यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। भाई कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 4s1 3d10। तो कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 3d9, ये कंडीशन आ जाएगी, d9 कंडीशन आ जाएगी। अब d9 कंडीशन में अगर हम देखें कि भाई ऑल्दो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, बट d9 में जो हमारे पास कंडीशन आ रही है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसके लिए पेयरिंग की जगह ही नहीं बच रही है। देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और एक नौ, इसके लिए पेयरिंग के लिए कोई जगह ही नहीं बच रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह रहे, 1। इसका मतलब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो अभी तक दो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक हमारी आई है। ठीक है, अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट स्पीशीज पे। नेक्स्ट स्पीशीज की अगर हम बात करें तो वो है Fe4+,
CN6 थ्री माइनस, जहाँ पे Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, +3 होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 3D5, कितनी होगी आर्गन 18 3D5। अब 3D5 में अगर हम कंडीशन देखें तो 1 2 3 4 5, पांच हमारे पास ऑर्बिटल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 1 2 3 4 5, और जब पेयरिंग होगी तो पेयरिंग में हमारा देखिए क्या होगा 1 2 3 4 5, तो ये दोनों जंप कर जाएंगे, तो 1 2 3 4 और ये पांचवा खाली रह जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड 1 1, और ये क्या रहेगा, इट इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है कौन सा, दैट इज Fe(H2OP)6 2+। तो आपको पता है यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, तो +2 हमारी पहले भी आई थी किसमें, इस वाले केस में, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या आई थी, दैट इज आर्गन 18 3D6। पांच हमें डी ऑर्बिटल यहाँ पे फिल करने, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कंडीशन देखो D6 में क्या आएगी, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। पहले जो हमने D6 कंडीशन बनाई थी उसमें Fe के अंदर स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड था Cn, यहाँ पे वीक फिल लिगेंड है H2O, तो इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, और कंपाउंड क्या होगा पैरा मैग्नेटिक। तो पैरा मैग्नेटिक कितने हैं जरा ध्यान से देखेंगे, पैरा मैग्नेटिक कितने हैं, दैट इज पहला ये 1 2 3 और चौथा लास्ट वाला। तो टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक स्पीशीज कितनी है 4, तो इसका जो न्यूमेरिक आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 4 रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर। सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 25 जनवरी 2023, क्वेश्चन नंबर 28। कंसीडर द सेल, एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, पीटी सॉलिड ऑब्लिक H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर H+ एक्वस H+ इज इक्वल टू 1, H+ कंसंट्रेशन दे रखी है 1, Fe3+ एक्वस एंड Fe2+ एक्वस, ठीक है। स्लैश यहाँ पे क्या देखा, पीटी सॉलिड जो गिवन है वो वहां पे दे रखा है E0 Fe3+ ऑब्लिक Fe2+, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.771 वोल्ट, एंड E0 ऑफ हाफ ऑफ H2 ऑब्लिक H2, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है यही मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, मैं वही देख रहा था ध्यान से, ठीक है। दैट इज 0, मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 दे रखा है। टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। इफ द पोटेंशियल ऑफ द सेल, मतलब ये हमें क्या दे रखा है, ई सेल दे रखा है, ठीक है। और द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ हमें निकालना है नियरेस्ट इंटीजर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे एनोड रिएक्शन लिख ले। एनोड में क्या है, हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ पे मेंशन भी हाफ ऑफ H2 दे रखा है, तो हम क्या लिखें, हाफ ऑफ H2 एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा है इंटू H+ बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहीं पे कैथोड पर क्या हो रहा है, ये जो आपका Fe3+ है वो गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, वैल्यू आएगी हाफ ऑफ H2+ Fe3+ विल गिव्स यू H+ Fe2+, क्लियर है, ये वैल्यू आ जाएगी आप, क्लियर है। तो जो ई सेल की वैल्यू है वो क्या होगा, E0 ऑफ सेल, ये हमारे पास फॉर्मूला है 0.0591/N log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वैल्यू पुट करें, जो हमारा E0 ऑफ सेल है वो हम कैसे निकालते हैं, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। तो राइट हैंड साइड पे क्या है Fe, Fe की वैल्यू कितनी है 0.771 माइनस, राइट लेफ्ट पे गया
ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो जीरो, वैल्यू आएगी 0.771। क्लियर है? तो हम क्या करें, सबसे पहले ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 0.771 माइनस 0.0591 अपॉन 1। लॉग की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कितनी है, दैट इज एफ ई टू प्लस, और कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस अपॉन रिएक्टेंट में दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ एफ ई थ्री प्लस, यह हमें मेंशन है। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, एच प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 हो गया। तो वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 0.771 माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग, ये लॉग वैल्यू है किसकी आएगी, दैट इज एफ ई टू प्लस अपॉन एफ ई थ्री प्लस कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू जो दे रखी है ई सेल की, ये हमारा ई सेल है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.712। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना? तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करें, इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं 0.712 माइनस 0.771 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एफ ई टू प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एफ ई थ्री प्लस, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है, देखो माइनस करते हैं हम क्या, 0.771 में से माइनस कर रहे हैं 0.712, तो भाई 11 में से 2 गए तो 9, तो 6 में से 1 गया तो 5, 0, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या रही है, -0.059। ठीक है, यहाँ पर भी हम 59 ही ले लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाए, इजिकल टू -0.059 लॉग एफ ई टू प्लस अपॉन एफ ई थ्री प्लस, माइनस से माइनस गया, 0.59 से 0.59 गया, तो हमारे पास वैल्यू आई लॉग एफ ई टू प्लस अपॉन एफ ई थ्री प्लस की वैल्यू 1 है। तो अगर हम इस लॉग को इस तरफ ले जाएं तो यहाँ पे बन जाएगा एंटी लॉग, तो एफ ई टू प्लस अपॉन एफ ई थ्री प्लस कंसंट्रेशन होगी एंटी लॉग ऑफ 1, दैट इज एफ ई टू प्लस रेशो एफ ई थ्री प्लस की वैल्यू आएगी 10, आएगी 10। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो इंटीजर आंसर होगा वो 10 आएगा। क्या आएगा, इंटीजर आंसर 10। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, देखो स्टेप वाइज कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 29 को फोकस कर रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन, ऑक्सीजन और एटम पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ओजोन में आपको पता है 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो हमने 3 ऑक्सीजन एटम लिख दिए। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होता है सिंगल बॉन्ड, और ये वाला सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल ऑक्सीजन पे, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इस वाले थर्ड ऑक्सीजन एटम। तो ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, ये सेकेंड ऑक्सीजन एटम, एंड दिस इज अ थर्ड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो आपको पता है लोन पेयर क्या होते हैं, विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये भी लोन पेयर है, 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 ये भी लोन पेयर है। टोटल लोन पेयर हो गए 2 + 1 + 3, दैट इज 6। तो इसका जो न्यूमेरिक आंसर होगा वो आएगा 6। इज दैट पॉइंट क्लियर? देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना, जिसको स्ट्रक्चर याद होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, टेक केयर। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट, 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 है
अ लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोल ऑफ ईच ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड ऑन द एडिशन ऑफ 0.02 मोल ऑफ HCl बाय डिजोल्विंग गैशियस HCl। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी, हमें 10⁻³ में इसको एक्सप्रेस करना है। गिवन है हमें पीकेबी वैल्यू ऑफ अमोनिया, दैट इज 4.745, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 एंड लॉग 3 दैट इज 0.4771 एंड टी इज 298 केल्विन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया है इस क्वेश्चन में। तो गिवन में अगर हम देखें NH3 का अमाउंट दे रखा है 0.1 मोल, ठीक है। NH4Cl का अमाउंट दे रखा है 0.1 मोल, दोनों का अमाउंट 1 मोल दे रखा है। अब ये तो वैल्यू फिक्स है हमारी। अब हुआ क्या कि जब हमारा NH3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा। तो NH3 का अमाउंट इनिशियली कितना दे रखा है, 0.1 मोल, और HCl का 0.02 मोल। तो भाई दोनों में जो रेशियो आ रहा है वो 1:1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा वो 0.02 मोल बचेगा। और अमोनिया में से जो कंसंट्रेशन माइनस होगी वो भी इतनी होगी क्योंकि तो HCl से 0.02 मोल ऑफ अमोनिया ही रिएक्ट करके 0.02 मोल NH4Cl बनाएगा। तो इसका मतलब अमोनिया की जो नेक्स्ट नेक्स्ट कंसंट्रेशन रहेगी वो रहेगी 1 - 0.02, दैट इज 0.08, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड के कितनी है, 0.02, और इनिशियली कंसंट्रेशन अमाउंट कितना दे रखा था, दैट इज 0.1, तो इसकी वैल्यू होगी 0.12 मोल। इसकी भी कितनी है, मोल। तो दोनों किसके अंदर प्रेजेंट है, 1 लीटर के अंदर, तो ये इनकी मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, पी ओ एच निकालेंगे। पी ओ एच में हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, पी के बी इज इक्वल टू सॉरी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज NH4Cl अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो यहाँ पे बेस क्या है, अमोनिया, क्लियर है। पी के बी की वैल्यू दे रखी है मैं 4.745 प्लस लॉग अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.12 और NH3 की दे रखी है 0.08। दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल 4 2 8, 4 3 12, दैट इज 4.745 प्लस लॉग 3/2। लॉग 3/2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4.745 प्लस लॉग 3 - लॉग 2, तो वैल्यू कितनी है, 4.745 प्लस लॉग 3 की वैल्यू है दैट इज 0.477 गिवन है क्वेश्चन में, -0.301, क्लियर है। तो 4.745 प्लस में आएगी वैल्यू दैट इज 0.176, यही आएगी। तो ऐड कर दो इसको, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, ऐड करो, शाबाश, कितनी वैल्यू आएगी, ये आ गया 4.569, ये आएगी ना भाई, 4.569 नहीं आएगी, ये आएगी 4.745, ठीक है, और 0.176, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, चेक करो भाई, यहाँ पे ये यह आ जाएगी आपकी 6 5 11, 7 4 11 12 2 1, और यहाँ पे आ गया 8 और 1 9, 4.921 आएगी, ठीक है। जो हमारे पास 4.921 है, 4.921 है, ये किसकी वैल्यू है, पी ओ एच। तो पी एच क्या होगा, 14 - पी ओ एच, दैट इज 14 - 4.921। तो करो भाई, 14 को माइनस करो, 1 2 3, 4.921, तो 10 में से 1 गया, 9, 9 7 में से 2, 9 2 गए, 9 में से 2 गए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 7, 7 वैल्यू आएगी, और यहाँ पर क्या होगा, 9 में से 9 गए, 0.9, तो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 9.9
079, जिसको हम अप्रोक्स कह लेंगे 9, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी, 9 यहाँ पे आएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। 9 पीएच आया है हमारा, ठीक है। तो 9 पीएच है, इसको 10^-3 में अरेंज करना है, ठीक है। तो 9 ये लिखा है ना, नियरेस्ट इंटीजर। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है 10^-3 की टर्म में। तो इसका मतलब हम इसमें क्या करें, 10^-3 क्या करें, 9 × 10^3 अपॉन 10^3, तो ये जगह 9000 × 10^-3, ठीक है। तो नेट क्या आएगी, 9 ही यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। 9000 अगर आप लिखना है तो लिख दीजिए, हमें 9000 × 10^-3 ही नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगी, 9 × 10^3 × 10^-3, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 10^-3 में, इसको लिख देंगे, ठीक है। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो पीएच क्या रहेगा इसका, 9 रहेगा। देखो एक्सप्रेशन में भी इन्होंने, देखो आंसर हमारा सीधा आ गया था 9, बट इन्होंने कहा 10^-3 में एक्सप्रेस करना है, तो आंसर हमारा होगा ये। और यहाँ पे 9000 लिख लो, चाहे 9³ लिख लो, ठीक है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है। इज दैट पॉइंट क्लियर।